नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। भारत सरकार ने सोमवार की शाम इसका नोटिफिकेशन जारी किया। जब से सीए की बात देश में चल रही थी तब से ही ये लगातार विवादों में था, इसीलिए दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक लागू नहीं हो पाया था, लेकिन सोमवार की शाम से ये लागू कर दिया गया है देश में। लेकिन अब भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर पूरी तरीके से हमलावर है, भाजपा को घेरती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव जो कि पूर्व डिप्टी सीएम और बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी जमकर भाजपा पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के प्रपंच करती है, हेडलाइन मैनेजमेंट करने का काम भाजपा करती है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव भाजपा पर हमलावर होते हुए कहते हैं कि 10 वर्षों से जनता इन्हें अच्छे से जान और पहचान चुकी है, इस बार जनता मुद्दों पर मतदान कर अपने वोट की चोट से झूठ बोलने, भ्रम फैलाने और नफरत बांटने वालों को सजा देगी। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि धर्म की राजनीति के बाहर देश की बहुसंख्यक आबादी है जो नौकरी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, विकास और रोजगार मांगती है। देश की बहुसंख्यक आबादी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त है। विगत 10 वर्षों में भाजपा शासन में खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि हुई है। गैस सिलेंडर 400 की बजाय 1000 से अधिक हो गया है। रसोई का सारा बजट गड़बड़ा गया है। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विगत 46 वर्षों में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। नई नौकरियां देना तो दूर, मोदी सरकार निजीकरण कर पहले से कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी छीन रही है। निजी क्षेत्र में नौकरियां घटी है। देश में गरीबी का आलम है कि खुद मोदी सरकार मानती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरण करना पड़ रहा है। एनडीए सरकार के नोटबंदी जैसा बिना सोचे समझे लिए फैसलों और बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में नीति बना गलत निर्णय लेने से छोटे व्यापारी और लघु और मध्यम उद्योग धंधे समाप्त हो रहे हैं, जिससे करोड़ों की संख्या में स्वरोजगार खत्म हो गए हैं और हो रहे हैं। भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर उनकी विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया है। भाजपा नेता संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बातें कर रहे हैं ताकि आरएसएस का विभाजन करी एजेंडा लागू किया जा सके। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ट्वीट करके जमकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। देश में नागरिकता संशोधन कानून अब लागू किया जा चुका है, जिसके कारण जो भारत के तमाम पड़ोसी देश हैं जिसमें रह रहे कुछ लोगों के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसे लोगों का भारत में नागरिकता लेना पहले से अब आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले जो भारत की नागरिकता थी उसे लेने के लिए काफ़ी मुश्किल शर्तें थी, लेकिन अब सीए लागू होने के बाद ये काम आसान हो जाएगा। लेकिन सीए को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है, जिसकी एक वजह थी कि दोनों सदनों में मंजूरी मिलने के बाद भी देश में सीए का जो कानून है वो लागू नहीं किया जा सका था। आपको बता दें, अब भी जो विपक्ष है वो लगातार इसको लेकर हमलावर है, भारत सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष का एक सवाल ये भी है कि ये कानून लोकसभा चुनाव के ठीक पहले क्यों लागू किया गया है। तो वहीं तेजस्वी यादव सीए को लेकर भाजपा को गरीबी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर घेरते नजर आए। उन्होंने कहा है कि एक बहुसंख्यक आबादी ऐसी है जो गरीबी और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन भाजपा सरकार का ध्यान इस पे नहीं है। भाजपा लगातार जो ज्वलंत मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे प्रपंच रचती है ताकि हेडलाइन मैनेजमेंट कर सके। भाजपा पर हमलावर होते हुए पूर्व डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, ये हमने आपको विस्तार से बताया इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।